सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी आई वाज जस्ट चेकिंग माय बाइक, सो आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो बना देनी चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ, कैसे कैसे यूज़ करता हूँ और कैसे अपनी बाइक की थोड़ी सी मैं जनरल चेकअप, जिसे बोल सकते हैं जनरल क्लीनिंग। जैसे ये देख रहे हो ना छोटा, ये मतलब कैमरे में नहीं आ रहा होगा बट थोड़ा थोड़ा ब्लैक यहाँ से टपक टपक के आ गया है। कपड़ा कौन सा यूज़ होता है और ये सारे जो प्रोडक्ट्स नीचे पड़े हुए हैं, एक बार मैं फोकस ले लेता हूँ। वो ऑयल पड़ा हुआ है, ये चेन क्लीनिंग का पड़ा हुआ है और ये खुला हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये मैंने सीट ओपन की हुई है तो ये हालत है अभी मेरे एयर फिल्टर की। ये लास्ट सर्विस में चेंज नहीं हुआ था और अभी इसकी हालत आप लोग देख सकते हो। मतलब रिक्वायरमेंट तो है इसे चेंज करने की बट थोड़ा बहुत चल जाएगा, चला लेंगे हम इसे। और ये अंदर का पार्ट थोड़ा सा इसका कुछ ऐसा होता है, पीछे से नॉइज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना बिकॉज अभी मैं घर में वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ ऐसा सब चलता रहता है। तो ये इसकी कुछ ये हालत है। कपड़ों की अगर मैं बात करूँ कि मैं कौन से यूज़ करता हूँ, तो ये जो एक कपड़ा है ये सस्ता सा जो आता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग जो गंदे एरिया है, मतलब जहाँ पे ये कपड़ा लिटरली एक बार यूज़ होने के बाद यूज़ ही नहीं होगा। जैसे चेन साफ़ करना, डी ग्रीजिंग करना, मतलब ग्रीस को निकालना। और ये जो दूसरा कपड़ा है ये है माइक्रो फाइबर क्लोथ, ये चार मैंने मंगा रखे हैं और एक मैं दिखाता हूँ, वो येलो का, चलो कहीं और रखा होगा, ये चार मैंने मंगा रखे हैं। तो ये थोड़ा सा कपड़ा महंगा आता है, आई मीन 100-80 रुपये का ही कपड़ा आता है बट ये बहुत अच्छा है। तो इससे मैं साफ़ करता हूँ जो भी प्लास्टिक पार्ट्स, मेटल पार्ट्स, हैंडल एंड ऑल, बाकी जितना भी नीचे का एरिया होता है, ये चेन का एरिया हो गया और ये सारा एरिया में इस कपड़े से, या फिर कोई भी और ऐसा कपड़ा ले लो जो कि एक बार यूज़ होगा, दोबारा यूज़ नहीं होगा, उससे मैं साफ़ करता हूँ। तो ये मैंने बता दिया ऊपर का। ये जो टूल्स हैं ये मेरी बाइक के साथ ही मुझे मिले थे तो वही टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। नॉर्मल चीज़ों के लिए जो आप कर सकते हो खुद से, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ टूल्स मैं अपनी बाइक के साथ यूज़ करता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था किसी वीडियो बनाऊँ कि मैं क्या क्या टूल्स यूज़ करता हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो ये बेसिकली इसको बस, यार मेरे हाथ में एक कैमरा है, मैं बता नहीं सकता, ये ना इसमें लगता है, ये इसमें लगता है और ये यूज़ होता है हमारे शॉकर की एडजस्टमेंट के लिए, रियर वाले की, फ्रंट की तो नहीं होती है। ऐसे इसके अंदर लगता है ताकि थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाए, पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। उसकी वजह से एलन की मैं बहुत कम यूज़ होती है बट इनकेस कभी मेरा ब्रेक, मान लो पीछे वाला ब्रेक ख़राब हो गया, उसके अंदर पैड चेंज करना है, ब्रेक पैड चेंज करना है, तो कभी 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 भी हो सकता है यूज़, मतलब ऐसे रखता हूँ। वैसे ज़्यादातर तो मैं जो मेरे मिरर्स थे आगे वाले उनके लिए मैंने रखा हुआ है। ये एक ही चाबी मैं यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मेरे दिमाग से निकल गया बट एक ही मैं यूज़ करता हूँ सेम मिरर्स वगैरह के लिए या फिर बहुत जगह ये काम आ जाता है। दूसरा ये इसी के साथ मिला था और ये स्पार्क प्लग ओपन करने के लिए होता है, इसको ऐसे यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसे इसको लगा लो। दूसरा वजह से फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ मैं, इसको इसमें फंसा लो और स्पार्क प्लग में ऐसे लगा के घुमा लो इसको। ये बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर से, वो मैंने एक छोटा सा पेचकस है और एक ये छोटा सा पेचकस है, ये भी ऐसे बाहर निकल जाता है। इसके अंदर भी आपको ये स्टार वाला आई थिंक इसे बोलते हैं और ये पीछे नॉर्मल ये माइनस वाला आई थिंक इसे बोलते हैं, दोनों इसके अंदर मिलता है, ये मैं यूज़ करता हूँ। तो चेन की मेंटेनेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ और क्या करना है क्या नहीं करना। तो पहले फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। अभी चेन की हालत देख लो, चेन सेट ऑलमोस्ट 21,000 किलोमीटर चल चुका है और अभी मैं इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ क्या चल रही है। तो जब आपका चेन सेट नया होता है ना तो वो इतने जल्दी लूज़ नहीं होता। अभी मैंने जस्ट एक वीक पहले टाइट कराया था और ये लूज़ हो गया बिकॉज ये पूरा जा चुका है, यहाँ देख सकते हो। अरे यार बहुत गंदा है बट ये देख रहे हो पूरा पूरा मतलब ख़त्म है, चेन इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो सकती। और इसके बाद अगर मुझे कराना पड़ेगा तो मुझे एक ये इसका निकलवाना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से नहीं करना चाहिए बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर मुझे कराना है तो मैं ये करा सकता हूँ। चेन काफ़ी गंदी है, बारिश में चलती है, मैंने इसके अंदर फिर से दोबारा ऑयल डलाना पड़ गया बिकॉज एमरजेंसी थी, बाइक मेरी पानी में जा चुकी थी, इतना पानी था और पानी के अंदर चलने के बाद ये पूरी तरीके से सूख चुकी थी, फिर ये जंग पकड़ लेती, तो मेरे को बाहर से हल्का सा ऑयल मैंने खुद ही डाल लिया था बिकॉज। तो ये चेन मेरे को चेंज करानी पड़ेगी, एक बार इधर से भी दिखाता हूँ। और दूसरा ये देखो, ये वाला मैंने टाइट करा था, उसने ढंग से नहीं किया, ये भी खुल गया, यहाँ से भी बिल्कुल मतलब ख़त्म ही है, चेन नहीं हो सकती वापस से। तो अब मैं दिखाता हूँ कि ये जो इसका लूज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, दोबारा टाइट करा के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये चीज़ देख रहे हो अब, ये देखो ये भी सही नहीं है। तो ये बात होगी चेन की। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, चेन को साफ़ करूँगा, तो साफ़ करने के लिए मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ये अभी मैं एक और लेके आ जाऊँगा, ये जस्ट पुराना बर्चा हुआ था। तो ये तारपीन ऑयल है, तारपीन से मैं करता हूँ, मुझे ठीक लगता है। अगर आप चाहो तो डी ग्रीजर भी ले सकते हो, गाने बज रहे हैं,
अगर आप चाहो तो डीग्रीजर भी ले सकते हो वो, बट यार थोड़े से महंगे आते हैं प्रोडक्ट मंगाने वगाने का, ये आपको 50-60-40 रुपए का मिल जाएगा, कर सकते हैं। और अभी जितना है ना मेरे को ज़्यादा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं चाहूँ तो इतने में कंप्लीट कर सकता हूँ। दूसरा होगा ये मैं अभी थोड़े टाइम पहले लेके आया था, जब मैं राइड पर जाने वाला था ना, राइड जाने से पहले मैं उस शॉप से लेके आया था। भाई बहुत सही चीज़ है, पहले मैं ब्रश करता था हालत ख़राब हो जाती थी, बट इसको ऐसे फंसाओ यहाँ पे, और मैं मतलब क्या करता हूँ जब मैं अकेला ही करता हूँ वैसे तो, इसको यहाँ फंसाता हूँ और बाइक ऑन कर देता हूँ और यहाँ फंसा रहता है और अपने आप पूरी चेन साफ हो जाती है, और मैं ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप या तो मतलब अपनी मर्ज़ी है जो ठीक लगे वैसा करते रहता है। अभी भाई बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत है बाइक की, देखो एक बार इसको, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है भाई, मतलब मिट्टी में पूरी डूबी हुई है ये, क्योंकि दिल्ली में बारिश का सीन है। और ये देख लो यहाँ से तो मैं लगा नहीं चाहता, मड़गाड़ मेरे को बोलते रहते हैं जब लगा मैं नहीं लगाता, तो ये पूरी कीचड़ यहाँ से यहाँ तक सीट पे भी आ जाती है, मेरे ऊपर भी आ जाती है, अंदर तक पूरी कीचड़ है। तो ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, कल मैं वीडियो बना रहा था तो यहाँ पर ना कॉलिन की बॉटल पड़ी थी और उसके अंदर लिटरली कॉलिन था, तो वो मैं बता दूँ कि कॉलिन वैसे बाइक में यूज़ नहीं होता, वो ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने उसको पूरा जहाँ यूज़ हो सकता था होके उसके अंदर ये ऑयल डाला था, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहता है मतलब यूज़ करने के लिए। तो ऐसा मत समझना कि कॉलिन से बाइक साफ़ कर रहा हूँ, मैं कॉलिन से बाइक साफ़ नहीं करी थी, बस वो बॉटल ख़त्म कर रहा था मैं, ताकि उसके अंदर मैं ये थोड़ा सा पेट्रोल या जो भी आप डाल सकते हो, पेट्रोल डीजल तारपीन ऑयल या फिर कोई भी डीग्रीजर डाल के यूज़ कर, ये टपक रहा है यार इसमें से, ये अभी भी इसमें अंदर से निकल रहा है, इसे लॉक करके रखना पड़ेगा। और हाँ ये चेन की कंडीशन मैं दिखाता हूँ, जब मैंने साफ़ की थी कितना ईजी है, एक बार मैं हल्का सा कर भी देता हूँ, ये है एकदम सिंपल, यहाँ पर मारो वो भाई कॉलिन की बॉटल ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे अपनी बाइक को साफ़ कर सकते हैं। चेन के बाद मूव करते हैं हम लोग ये जो ब्रेक पैड्स हैं, तो मैं कैमरा डालता हूँ एक बार यार, कोई थोड़ा सा मिले जगह, मेरा फ़ोन गंदा हो जाएगा यार। तो दिख रहा होगा फ्रंट वाला जस्ट अभी चेंज कराया है मैंने, हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा शायद इसको चेंज कराया, और रियर वाला भी मैंने चेंज कराया है, इस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है ब्रेक पैड्स के ऊपर। और ये रहा ये पिछला वाला, ये पूरा चेंज कराया। तो क्या हुआ था जब उस बंदे ने ये वाली चीज़ खोली थी ना, ये देख रहे होंगे ये पूरी इन सब में ये थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है, तो क्या हुआ यहाँ से शायद ऑयल लीक कर रहा है, उस बंदे ने इसको खोला था और ऐसे पीछे से ना प्रेशर से ऑयल निकला था, तो मतलब भाई ऑयल तो कम हो गया, कह रहा नहीं हुआ यार कम ऑयल, उस टाइम ये पूरा था ये मिट्टी में डूबा हुआ था, मुझे दिखा नहीं, मैंने घर आकर थोड़ा सा साफ़ करा, अभी फिर ये गीला हो चुका है यार, देखो मुझे लग रहा है इसमें से ऑयल लीक है। और इसके अंदर क्वांटिटी ना, अभी मैं कैमरे में नहीं दिख रही होगी तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, इतनी क्वांटिटी है, तो ये लोअर हो गया जो उसकी गलती थी यार। और ये मैंने चेंज कराया, बाकी ब्रेक पैड्स पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज अलग वीडियो आने वाली है, कौन से लगवाए थे, कब लगवाए थे, कैसे चले, कहाँ से लगवाने, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका जो इंजन है ना उसमें से ऑयल लीक हो रहा है, मतलब यहाँ से कहीं से चैम्बर टूट गया, कहीं से भी ऑयल लीक हो रहा है और आप देख नहीं सकते, तो क्या करना है, जैसे कपड़ा लेना है बिल्कुल प्योर वाइट है, और इसके ऊपर जहाँ आपकी नज़र नहीं जा सकती बट हाथ जा सकता है, वहाँ ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लेके आ जाओ, नीचे देखो क्या है, अगर सूखी मिट्टी निकल रही है तो मतलब कहीं से भी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरी बाइक के इंजन से पहले ऑयल लीक हो रहा था तो मैं ऐसे करता था ना, तो यहाँ पे ऑयल निकलता था, मतलब किस तरीके, जैसे यहाँ पे ऐसे करता था मैं तो ऐसे गीला हुआ मिलता था, मतलब ऑयल ऑब्वियसली लीक हो रहा है, आगे से ऐसे ऐसे मैंने करके देख लिया, दो बार यहाँ से भी कर लेता हूँ, देखता हूँ, तो सूखी मिट्टी निकल रही है, मतलब इंजन बिल्कुल ठीक है, ऑयल वगैरह कुछ लीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा है, ये ऑयल लीक नहीं है, ये मैं चेक कर चुका हूँ, ये बस ऐसी पता नहीं कैसे हो जाता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इन सब के अंदर हमें भी नहीं पता। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने कोई बताया कि कैसे घर पे आप लोग छोटी छोटी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। ये अभी पूरा यहाँ से मैं क्लीन करूँगा, फ़ैन भी ऑफ कर रखा है मैंने। बाकी शॉकर की चीज़ बता दूँ कि हमेशा जब भी आप अपनी बाइक को कीचड़ या कहीं भी चलाएं तो यहाँ से ना इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, अदरवाइज ये ऑयल सील ब्रेक हो जाती है और फिर ये पूरा करवाना पड़ता है। तो यही था आज की इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड एंड यस जय हिंद।